नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने डेली राशिफल में। आज हम बात करेंगे 19 फरवरी 2018 का सभी राशियों पर क्या रहेगा असर। दोस्तों, ये राशिफल होते हैं बहुत ही जनरलाइज्ड। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनालिसिस होते हैं पेड, उसकी आपको देनी होती है एक निश्चित फीस। तो जब भी आप कांटेक्ट हमसे करें तो इस बात को समझ लें कि आपको फीस जो है वो देनी होगी। चलिए, मेष राशि की बात कर सकता हूँ। तो कुछ जो फालतू के लोग हैं उनसे कल आपका पीछा जो है वो छूटता हुआ कल दिखाई देगा। कुछ छोटी यात्राओं के भी योग कल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और फ्रेंड सर्कल के साथ आप कल कहीं घूमने जा सकते हैं। वहीं वृषभ राशि की बात करूँ तो अपने काम से काम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिन आपका रहेगा। और जो आपकी आदत है कि आप बहुत लोगों को ज़्यादा एडवाइस देते हैं और ना लोगों की हेल्प करते हैं, तो मेरी आपको राय ये रहेगी कल इन चीज़ों से बचें, नहीं तो कोई जो है आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मिथुन की बात कर लूँ तो मित्रों की सलाह आप मानेंगे और आपका काम भी कल बनेगा। अंधविश्वास से बचें और समझदारी से आप काम लें। स्टूडेंट जो है उनका कल फोकस काफ़ी अच्छा होता हुआ कल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कर्क राशि की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं और कुछ पेंडिंग काम भी कल आप निपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानूनी जो विवाद हैं वो भी कल जो है वो आपके निपटते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। वहीं सिंह राशि की अगर बात करूं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक कल काफ़ी रहेंगे। अपने काम से काम रखें, दूसरा के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं शाम को सोशल किसी गैदरिंग में, किसी मैरिज इत्यादि में जाने की स्थिति कल आपकी बन सकती है। वहीं कन्या की बात करूं तो दोस्तों व सहकर्मियों के साथ आपका काफ़ी सपोर्ट कल मिलता हुआ दिखाई देगा और आपको उनको थैंक यू भी कल बोलना चाहिए। किसी को भी कल कम ना आके, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वहीं तुला की अगर बात करूँ तो लेन देन पर पूरा ध्यान दें, टैक्स के मामले को थोड़ा सा और अच्छा बनाएं और प्रोफेशनल डील करते समय थोड़ा सा आप ध्यान रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि बिजनेस के आकर ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। वहीं वृश्चिक राशि की अगर बात करूं तो टीम वर्क में थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। आत्मविश्वास रखकर चलेंगे तो कैरियर और रोमांस के मामले आपके पक्ष में कल होते हुए दिखाई देंगे और सीनियर्स आपको नया कोई आइडिया कल दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं अगर धनु की बात करूं तो फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो सेटल होते हुए कल दिखाई देंगे। पेंडिंग वर्क भी कल आपका काम होता हुआ दिखाई देगा। रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपकी आपकी कल काफ़ी सीरियस होती हुई कल दिखाई देगी और वहीं आपका फोकस आपके काम के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। मकर की बात कर लूँ तो करीबी दोस्तों के साथ मिलना हो सकता है और आर्थिक पहलू पर कोई बात आपकी उनसे हो सकती है। बिजनेस में मुनाफे में आपका लाभ उठा सकते हैं और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर कोई सलाह आप ले लें। वहीं अगर मैं कुंभ की बात करूं तो परिजनों के साथ जो समस्याएं आपकी चल रही थी उन वो अब कल धीरे धीरे कम होंगी। नए आइडियाज़ होंगे, माइंड आपका काफ़ी खुला रहेगा, ओपन रहेगा और जो है जिससे आप अपने उन समस्याओं को दूर कर पाएंगे जो अभी आपकी चल रही हैं। मीन राशि की बात करूँ तो कुछ चीज़ों के रिपेयर वर्क आप करा सकते हैं। रोमांटिक काफ़ी रहेंगे कल आप और रोमांटिक चीज़ों पे डेट पर आप कहीं जा सकते हैं। वहीं आप अपने काम को पूरे विश्वास के साथ कर पाएंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कल आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ 19 तारीख का एक छोटा सा राशिफल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और शुरुआत में जो बात आपसे कही थी कि अगर आप हमसे अपना विवेचन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस आर पेड, आपको एक निश्चित फीस देनी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा मार्च का राशिफल, तो ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा।